सुझाव दिया था और मुख्यमंत्री ने नहीं देखियो, सुझाव तो सब लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से हमने दिया था और आम नेता कार्यकर्ताओं की जो भावना है उसके अनुकूल हमने उनसे आग्रह किया है। और आग्रह यही है कि जो मिलने का काम पहले पार्टी के साथियों से करते थे, अभी भी कुछ दिन पहले उन्होंने किया कोरोना के बाद एक दो बार, लेकिन उस सिलसिला को और तेज़ करना चाहिए, ज़्यादा समय देना चाहिए इस काम के लिए। साथ ही जब भी मुलाकात इस तरह की मुख्यमंत्री जी करते हैं तो उसमें खुद अकेले रहें, वहाँ आसपास किसी भी नेता को, हमने तो कल यह कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को भी मत बैठाइए, किसी को मत बैठाइए, क्योंकि लोग डायरेक्ट मिलकर कुछ बात अकेले में उनसे कहना चाहते हैं और कोई भी व्यक्ति अगल बगल बैठा रहेगा तो कहने में लोगों को स्वाभाविक रूप से थोड़ी परेशानी होती है। तो अब नतीजा उसका होता है कि सही बात मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए हमने ऐसा कहा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हाँ हम अब मिलेंगे लोगों से, मिलने का जो उसकी जो प्रक्रिया है हम तेज करेंगे, और उसी में कोई साथी अलग से भी कुछ कहना चाहे तो उसके लिए भी गुंजाइश रहेगी, अलग से भी थोड़ी बात हो। आपने कल कसम भी खाई है कि बीजेपी के साथ दोबारा नहीं जाएंगे, फिर उलट कर देख लीजिए हमने क्या कहा। अलायंस हमने कहा कि अब हमारी पार्टी तो अलग से है नहीं, हम तो जब पार्टी थी तो अलायंस की बात करते थे, अब तो जेडीयू है, तो पार्टी कोई निर्णय लेती है तो उसके अनुसार अलग बात है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमने अपने बारे में कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा मैंने मौत स्वीकार कर सकता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना इस जन्म में नहीं स्वीकार कर सकता। अब कितनी बार कहवाइएगा, कहने की जरूरत पड़ी कि मीडिया में आप लोग चला रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा की और आप ही लोग चला रहे थे। केंद्रीय मंत्री है गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का जो लोग वायलेट कर रहे हैं उनका वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। छीन ले भैया, उनके हाथ में पार्लियामेंट है ना, अभी बहुमत है ना, छीन ले, हिम्मत है तो दिखा दे, फालतू बात कर, हिम्मत है तो दिखावे ना, बिल्ली की तरह बात करेंगे, हिम्मत है तो दिखावे छीन करके कि किसका छीनते हैं, दिखावे। आप लोग इसके बोल किसको रहे हैं या विरोध में, अगर केंद्र सरकार इस बिल को लाती है। अरे केंद्र सरकार कोई किसी का वोटिंग राइट इन्होंने दिया है कि छीन लेंगे? वोटिंग राइट बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, हमारे संविधान ने दिया है, भारत की जनता ने दिया है, इन्होंने दिया है कि छीन लेंगे और रख लेंगे? बोल ही रहे, फालतू बोल रहे हैं ये लोग।